तो लगातार बड़े अपडेट्स जो इस वक्त हैं वो आ रहे हैं झारखंड से। और देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट ये है, देखिए नई सरकार पर आज तस्वीर साफ होगी। आज राज्यपाल चंपई सोरेन के दावे पर जवाब दे सकते हैं। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और 47 विधायकों के समर्थन का दावा चंपई सोरेन की तरफ से किया गया है। जेएमएम विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले यह माना जा रहा था कि हेमंत की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन को कमान दी जाएगी, झारखंड की वो अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन तेजी से बदले सियासी समीकरण में चंपई सोरेन का नाम सामने आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया और उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। अब निगाह इसे लेकर राज्यपाल पर टिकी हुई है। तो अब ये नया नाम, क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था लेकिन चंपई सोरेन, अब आप समझिए कि चंपई सोरेन है कौन, आपको यहां पर बताते हैं। चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। चंपई सोरेन झारखंड में 3 बार ये मंत्री रह चुके हैं। 1991 में पहली बार निर्दलीय जीते थे। 2005 से सरायकेला से लगातार एमएलए हैं। बीजेपी जेएमएम सरकार में भी मंत्री थे। तो ये उनका कद है जो बताता है कि चंपई सोरेन झारखंड में कहां पर स्टैंड करते हैं। झारखंड में 3 बार मंत्री और इसके साथ 2005 से सरायकेला से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, एमएलए हैं, और इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। पहली बार निर्दलीय जीते थे लेकिन अब चंपई सोरेन जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा सकते हैं आगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो है वो दावा किया गया है। देखना होगा कि अब इसे लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसी के साथ देखिए, सोरेन की कल्पना सीएम रेस में क्यों पिछड़ गई। कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था, पत्नी है हेमंत सोरेन की, क्यों? भाभी सीता सोरेन ने खुलकर इसका विरोध किया। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये, भाई वसंत सोरेन उम्मीदवारी के खिलाफ वो भी खड़े हुए थे और विरोध के चलते पार्टी में फूट पड़ने का डर जो है वो बना हुआ था। कल्पना का एमएलए ना होना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जल्द उपचुनाव के आसार नहीं होना भी अड़चन बना। तो ये तमाम वो बातें हैं जो राह में रोड़ा बने यहाँ कल्पना सोरेन की। और इसके बाद अब जो है वो यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है। इसे लेकर क्या वहां पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, हम अपने सहयोगियों से समझते हैं। और अभिषेक, आप बताइएगा, अब राज्यपाल पर क्योंकि निगाह है, दावा तो किया गया चंपई सोरेन का नाम, वो नेता भी चुन लिए गए, अब क्या आगे? देखिए, कल कोशिश ये की गई थी, जो गठबंधन सरकार के प्रतिनिधि गए थे, 5 प्रतिनिधि, उन्होंने कहा था जितनी जल्दी शपथ ग्रहण हो जाए वो चाहते हैं। और उनकी तो मांग ये थी, सोर्सेज बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि आधी रात में शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन राज्यपाल ने कोई जवाब दिया नहीं है। हमारी जानकारी ये कि आज राज्यपाल उनको जवाब देंगे, इस बात की संभावना है कि चूंकि चंपई सोरेन के पक्ष में बाकायदा 47 विधायकों के सिग्नेचर पेश किए गए हैं, तो उनको अभी जो बहुमत का आंकड़ा है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो इस बात की संभावना है कि उनको सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया जाएगा। लेकिन अभी राजभवन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच में जो अभी आप बात कर रही थी कि आंतरिक विरोध की बात, तो इसमें दो राय नहीं कि कल्पना सोरेन को लेकर के सीता सोरेन का रिजर्वेशन सामने आया था। चंपई सोरेन का नाम चूंकि कल रात में ही डिक्लेयर हुआ है, इसलिए उस पर क्या रिएक्शन होता है यह भी देखना होगा। चूंकि जेएमएम के भीतर महत्वाकांक्षाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीता सोरेन की ही रही है या वसंत सोरेन की रही है, इसके अलावा और भी महत्वाकांक्षाएं जेएमएम के भीतर रही हैं, तो वो महत्वाकांक्षाएं उभर के तो नहीं आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि जेएमएम की हेमंत सोरेन जिसे भी अधिकृत करेंगे, पहले ही कर दिया था, उसको समर्थन देंगे। तो इस हिसाब से चंपई सोरेन को जो सहयोगी पार्टी है उनका समर्थन तो है, लेकिन जेएमएम के भीतर क्या होता है इसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी में कहीं टूट ना हो, इस तरह की टूट फूट से बचना भी होगा, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, दीपक का भी मैं रुक करूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।